भारतीय जूनियर चैलेंजर ट्रॉफी की शुरुआत 15 अगस्त से होने वाली थी। भारतीय क्लब द्वारा कराई जा रही है। भारतीय क्लब के अध्यक्ष श्री मृगेंद्र शाही ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का उद्घाटन भी किया। पहले मैच में भारतीय स्ट्राइकर्स ने भारतीय रेडर्स को 17 रनों से हरा दिया। भारतीय स्ट्राइकर्स के शुभम का शानदार 106 रन भी शामिल है। अगला मैच 18 अगस्त को भारतीय स्ट्राइकर्स और भारतीय हॉक्स के बीच खेला जाएगा। खिलाड़ी और सैनिक में कोई फर्क नहीं होता, जीत हार से खिलाड़ी जिस समय खेलता होता है उस समय जीत हार से मतलब नहीं होता है। विशेष रूप ऐसे आप खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आप खेलते हैं, लेकिन मैच में जिस समय आप प्रतियोगिता में खेल रहे होते हैं, मैच खेल रहे होते हैं, बस एक बात आज विशेष रूप से कहना है कि मैच में जिस समय आप खेल रहे होते हैं उस समय आप खेलते नहीं हैं, अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हार जीत जो करता है वही हारता है वही जीतता है। आपका क्लब पिछले 4-5 वर्षों से डिस्ट्रिक्ट चैंपियन था, इस बार थोड़ा सा मतलब पीछे हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीते हैं सह सवार मैदाने जंग में, वो सिर्फ क्या जाने जो लोग के बच्चे हैं, सैनिक होते हैं आप जैसे खिलाड़ी होते हैं वही गिरते हैं। एक छोटा बच्चा जो घुटनों के बल चलता है वो क्या गिरे देखना देखा। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मन लगा के खेलिए और साथ में पढ़ाई भी की, पढ़ने के समय में पढ़ाई करना है, करना है और दोनों को मन लगा के करना है। और हम आपके अच्छे भविष्य की शुभकामना व्यक्त करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर ही ध्यान देना है, सिर्फ खेल रहे हैं पढ़ रहे नहीं। जिस समय एक अपना सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक का अपना रूटीन बनाना, हमको ये करना है ये करना है ये करना है, और पढ़ाई और खेल दोनों मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।